नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। इसके साथ अन्य सभी आरोपियों अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तबू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया है। 28 मार्च को इस मामले में सीजेएम देव कुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सलमान के वकील ने अधिकतम 2 साल सजा की मांग की थी, जबकि सरकारी वकील उनके लिए 6 साल की सजा की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में फैसले की प्रक्रिया होने के बाद उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड से संदेश आने शुरू हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार सुपरस्टार शाहरुख खान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट की फैसला का सम्मान करते हैं और सलमान दोषी था या नहीं ये फैसला कोर्ट को ही करनी थी। उन्होंने आगे कहा, अगर सलमान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम सजा मिले उसकी वे कामना करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सलमान को दोषी पाया गया। सलमान खान पर अदालत ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने इस मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोस्तों, इस खबर से संबंधित जानकारी के लिए myjnews.com पर विजिट करें।